दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए जुलाई 2022 में होने वाली 13 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 13 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 50,000 से अधिक वैकेंसी जहाँ पर निकली है, ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 13 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं जुलाई 2022 की टॉप 13 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है SSC में, हेड कांस्टेबल की भर्ती है। 800 से अधिक वैकेंसी जहाँ पर निकली है। बात अगर डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू होगी, लास्ट डेट 3 अगस्त 2022 है। लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है, SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटर्न फिजिकल कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.IN पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है टेरिटोरियल आर्मी में, सेना के अंतर्गत, प्रादेशिक सेना के अंतर्गत टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू होंगे 1 जुलाई 2022 से, लास्ट डेट 30 जुलाई 2022 है। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है, ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। फीस यहाँ पर 200 रुपये है, रिटर्न और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो jointerritorialarmy.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है IBPS बैंक में, कलर की भर्ती है। 6,500 से अधिक वैकेंसीज है। 1 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट 21 जुलाई 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो 11,765 से 31,540 है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। 850 से 175 रुपये फीस है। प्री मेन एग्जाम और इंटरव्यू से चयन होगा। इस भर्ती के लिए भी आप केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो IBPS.IN पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ICF रेलवे में, SCT अप्रेंटिस के लिए 876 वैकेंसीज निकली है। डेट लास्ट यहाँ पर इसकी लास्ट डेट 26 जुलाई 2022 है। 10वीं पास और 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है, SST फीमेल के लिए नहीं है। मेरिट से चयन होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। चेन्नई जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो pb.icf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है DRDO RAC में, यहाँ पर साइंटिस्ट बी की 630 वैकेंसीज निकली है। बात अगर डेट की जाए तो लास्ट डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन एक्टिवेट होने से 21 दिन बाद इसकी लास्ट डेट होगी। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 28 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है, SST PWD फीमेल के लिए फीस नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। गेट स्कोर, रिटर्न एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो RAC.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कर्नाटका में, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सेकंड डिवीजन असिस्टेंट SDA की पोस्ट है। 155 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए भी 11 जुलाई से शुरू होंगे, लास्ट डेट 10 अगस्त 2022 है। 21,400 से 42,000 सैलरी है। 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। टेस्ट इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है, waterresource.karnataka.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो भी SSC में ही निकली है,
कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, 1000 से अधिक वैकेंसीज है। 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है, SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटन फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान में। टीचर शिक्षक की भर्ती है, 272 वैकेंसीज है। 1 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट 20 जुलाई 2022 है। यहाँ पर बात अगर इसमें सैलरी की जाए तो 23,700 है। 12th ग्रेजुएट DLED BLED डिप्लोमा इन एजुकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 60 55 40 36 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। 150 110 90 यहाँ पर आवेदन शुल्क है। मेरिट से चयन होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSO.Rajasthan.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी HQ इन्फेंट्री स्कूल में। ड्राफ्टमैन, लॉर्ड इंजन क्लर्क, स्टेनो, सिविलियन मोटर ड्राइवर, कुक, ट्रांसलेटर, बार्बर, आर्टिस्ट और मॉडल मेकर की पोस्ट यहाँ पर निकली है। टोटल इसके लिए 101 वैकेंसीज है। 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। 12वीं पास और 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 27 वर्ष आयु सीमा है। 50 रुपये फीस है, SST के लिए नहीं है। रिटर्न स्किल ट्रेड टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। MP जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्वास्थ्य विभाग में। जी दोस्तों, मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड तेलंगाना के अंतर्गत सिविल असिस्टेंट सर्जन ट्यूटर की पोस्ट है। 1326 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 15 जुलाई से शुरू होंगे, लास्ट डेट 14 अगस्त है। MBBS डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 44 वर्ष है। 200-120 रुपये फीस है, SST के लिए नहीं है। मेरिट से चयन होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है, MHSRB.telangana.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है JSSC में। स्टेनोग्राफर की 452 खाली पद है। 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी है। डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 37 38 40 वर्ष आयु सीमा है। 150 रुपये फीस है। स्किल टेस्ट रिटर्न टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, JSSC.NIC.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 12 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में। फिजिकल एजुकेशन टीचर PTI के लिए 5,540 वैकेंसीज है। 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। 12th डिग्री CPED DPED BPED से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 450 350 250 रुपये फीस है। रिटर्न एग्जाम से चयन होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, SSO.Rajasthan.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 13 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कोल इंडिया लिमिटेड में। मैनेजमेंट ट्रेनी MT की भर्ती है। 1050 वैकेंसीज है। 22 जुलाई तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 50,000 रुपये सैलरी है पर मंथ के लिए। BBTEC BSc इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। 1180 रुपये फीस है, SST PWD के लिए नहीं है। सिलेक्शन होगा इसमें आपका गेट स्कोर के आधार पे। ऑनलाइन आप कोल इंडिया से आवेदन कर सकते हो coalindia.in पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी जुलाई 2022 में होने वाली टॉप 13 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।